हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन की रेसिपी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चाउमीन बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक प्याज, एक शिमला मिर्च, दो हरे प्याज, चार से पांच लहसुन की कलियां, एक कप पत्ता गोभी, साथ ही लिया है एक पैकेट चाउमीन नूडल्स, दो टीस्पून विनेगर एंड दो टीस्पून सोया सॉस, दो टीस्पून टोमेटो केचप। सबसे पहले हम चाउमीन बॉईल कर तैयार करेंगे। चाउमीन बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑयल। पानी में बॉईल आ चुका है, इसमें अब हम डालेंगे नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें। 2 से 3 मिनट के अंदर नूडल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी में डूब जाएंगे। इसको हल्का हल्का चलाते हुए सभी नूडल्स को सेपरेट कर लें। 4 से 5 मिनट के अंदर नूडल्स बॉईल हो जाएंगे। नूडल्स को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल कर चेक करेंगे। नूडल्स को आप उंगली के बीच में दबाकर देखें, ये इजीली टूट जाएगा। हमें नूडल्स को ज्यादा कुक नहीं करना है, ये जब 80% कुक हो जाए तब इसे निकाल लें। नूडल्स में से सारा पानी निकालने के बाद इस पर हम डालेंगे ठंडा पानी, इससे इसके कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में फैला लेंगे। इसके बाद इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चाउमीन प्रोसेस होकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे कुछ देर बाद या अगले दिन जब आपका मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने लिया है एक पैन, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। लहसुन को कुछ देर भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हम कुछ देर तक भूनेंगे। ध्यान रहे इस पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। प्याज 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुई पत्ता गोभी। इसको कुछ देर चलाएंगे और साथ ही हम डालेंगे शिमला मिर्च। आप इसमें गाजर का यूज भी कर सकते हैं। हमें सब्जियों को ज्यादा कुक नहीं करना है, सब्जियों में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। इसका हल्का कलर चेंज हो जाए बस इतना ही हमें कुक करना है। अब इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड नूडल्स, जो हमने पहले प्रोसेस करके रख रखा है। नूडल्स डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सभी सॉसेस। सबसे पहले हम डालेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून विनेगर एंड 2 टीस्पून टोमेटो केचप। आप इसमें रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं। सभी सॉस को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। एट लास्ट इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जो हमने सॉसेस डाली हैं उसमें नमक होता है, तो नमक टेस्ट कर ही इसमें डालें। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एट लास्ट गार्निशिंग के लिए इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन का हमने हरे वाला पार्ट लिया है,
इसको डालकर अच्छे से मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें। वेज नूडल्स सर्व करने के लिए रेडी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप इसे जरूर ट्राई करना। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।